चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम एंड सेल्फ इंडक्टेंस 1.5 हेनरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 बाय 5 हर्ट्ज, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। देखो इसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगा हुआ है। तो वी आर ये हुआ, आई का डायरेक्शन ये हुआ, वी एल का डायरेक्शन ये हुआ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वी नेट ये होगा, अप्लाइड वोल्टेज दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो फाई है। अच्छा ये वी एल है तो ये भी वी एल होगा, ये वी एल होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं टेन फाई की वैल्यू लिखूं, टेन फाई इज इक्वल टू क्या लूंगा, परपेंडिकुलर वी एल अपॉन हाइपोटेनस वी आर, या इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं अपोजिशन टू करंट में, तो वी आर अपॉन आई, इसमें आई से डिवाइड करेंगे, वी आर अपॉन आई आर हो जाएगा, ये वी एल अपॉन आई करेंगे तो एक्सएल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वी नेट अपॉन आई जेड हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन ये है तो ये फेज डिफरेंस हो गया, तो ये भी एक्सएल होगा, तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अच्छा फेज डिफरेंस चाहिए आपको, एक्सएल की वैल्यू पुट कर दो, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा ना, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 100 बाई पाई है, एल की वैल्यू 1.5 हेनरी, 1.5 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 100 बाई पाई, पाई से पाई कटा 200 इंटू ये 300 आ जाएगा, 300 ओम आ जाएगा एक्सएल की वैल्यू, तो एक्सएल की वैल्यू 300 आ गई, देख लो सही है ना, ठीक है, 300 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 300, तो वैल्यू 1 आ गई। तो टेन फाइव की वैल्यू अगर 1 है तो 10 45 डिग्री की वैल्यू ये होती है, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया 45 डिग्री, करेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,